नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज बड़ौदा मंडल द्वारा आयोजित स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन जो 12 नवंबर 2022 को आयोजित किए गए थे, उसका फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले राजीव शाह जी हैं जो सेंट्रल में हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं। सबसे पहले इन्होंने पेपर शेयर किया था और इसके बाद भी काफ़ी लोगों ने शेयर किया है, तो सभी को धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। उससे पहले इंस्ट्रक्शन को देख ले। इंस्ट्रक्शन आपके स्क्रीन पे है। ये 12 नवंबर को एग्जामिनेशन हुआ था, 2 घंटे का है। 110 क्वेश्चन हैं जिसमें से 100 को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए यही है इंस्ट्रक्शन। ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है जो हर एग्जाम में आते हैं, लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि आप किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं जो 100 क्वेश्चन देते हैं, उनको पहले आप उसके इंस्ट्रक्शन को जरूर देखें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वाज एस्टेब्लिश्ड, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1987, 1985, 1986 एंड 1983। तो ये जो है 1 नवंबर 1985 को किया गया था, जो ऑप्शन बी के अंदर है जो यहाँ पे है। ठीक है, चलिए ये पूरा इलाका आता है आपके। केंद्र सरकार ने जो है वो इस अधिकरण की स्थापना जो किया है वो आर्टिकल 323 ए यानी कि 323 ए के द्वारा जो 1976 में संविधान संशोधन किया गया था उसके ही अनुसरण में किया गया है, उसके ही मतलब आगे जो ये है उसके अंदर किया गया है। तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना जो है वो 1985 में किया गया था, 1 नवंबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चलते हैं। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन डिवीजन टू परमिट चेंज ऑफ नेम इन ओरिजिनल रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग सर्विस रजिस्टर एस आर ऑफ नॉन गजेटेड सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन के अधीन अराजपत्रित कर्मचारियों के सेवा रजिस्टर एस आर सहित मूल अभिलेखों में नाम परिवर्तन की अनुमति देने के लिए प्रभाग में कौन सक्षम प्राधिकारी है? ठीक है, तो सवाल ये है कि कौन ये है। तो नाम चेंज जो है वो 2 तरह से किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे वो सीनियर डीपी हो जाएगा, क्योंकि जब आदमी गेजेट के साथ जो जो गेजेट में नाम प्रकाशित किए जाते हैं वो कोई भी नाम एडॉप्ट करता है या चेंजेस करते हैं, तो वो उसके लिए सीनियर डीपीओ सर वो होते हैं, अथॉरिटी होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अकाउंट कंक्रेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो अथॉरिटी है वो है पैरा नंबर 1201 जो IRM Vol. 1 1989 का है। ठीक है, एक और है पैरा नंबर 1202 जिसके अंदर भी ये बात कही गई है। यहाँ पे कुछ और बातें बता दूँ कि जैसे अकाउंट कंक्रेंस की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, और जहाँ पे इंडिपेंडेंट चार्ज DPO या WPO यानी कि वर्क्स पर्सनल ऑफिसर जो होते हैं उनको भी फुल पावर दिया गया है। ठीक है, और JAG ऑफिसर यानी कि यहाँ पे JAG ऑफिसर जो हैं वो सीनियर डिप्यूसर होते हैं, और हेडक्वार्टर में भी इस तरह के ऑफिसर जो होते हैं तो वो JAG लेवल के जो ऑफिसर होते हैं वो इसके लिए है। एक और बात है कि अगर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के नाम पे आधार पे अगर किसी का नाम चेंज किया जाता है तो उसके लिए ADRM जो कि SSC लेवल के अधिकारी होते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ऐसे नाम गेजेट के संबंध में इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रिकंस्ट्रक्ट सर्विस रजिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट व्हेन नो रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, जब कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता है तो ये डायरेक्टली आपको बिना कुछ सोचे रेलवे बोर्ड की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं है और एफिडेविट के आधार पर किया जाता है तो रेलवे बोर्ड ही अथॉरिटी होगी। ठीक है, और जैसे मैंने लास्ट सेकेंड लास्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कहा है कि फाइनेंस कॉन्क्रेंस की अकाउंट कॉन्क्रेंस की जरूरत नहीं होती है, इसमें जब रिकास्ट करते हैं रजिस्टर को सर्विस रजिस्टर को तो फाइनेंस कॉन्क्रेंस की जरूरत पड़ेगी, और जो सेंक्शन लेना पड़ेगा वो रेलवे बोर्ड से लेना अति आवश्यक है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन अगर रिकॉर्ड अवेलेबल हैं तो यहाँ पे DRM या ADRM को फुल पावर दिया गया है, यानी कि SSG को फुल पावर दिया गया है, जैसे कि ये हुआ डिवीजन लेवल पे, और PCPO और PFA
जो प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनको भी फुल पावर दिया गया है हेडक्वार्टर लेवल पे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो एसओपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एसओपी जो है जो अपना एस्टेब्लिशमेंट मैटर का वो पार्ट एफ है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो होगा वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप कि मैं कुछ समझा पाया हूँ आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एक्सेप्ट द रिजिग्नेशन ऑफ गजेटेड ऑफिसर। तो देखिए यहाँ भी वही मैंने जो बताया कि ये भी क्वेश्चन जो है वो एसओपी से रिलेटेड, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन जो है वो एसओपी से, फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है एसओपी से रिलेटेड है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं वो अप टू सीनियर स्केल तक होते हैं ना, वो जीएम ये करते हैं, रिजिग्नेशन स्टेप करते हैं, और जेजी एंड एबव के लिए रेलवे बोर्ड करते हैं। तो यहाँ ओनली केवल राजपत्रित अधिकारी लिखा है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इसका आंसर रेलवे बोर्ड हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एम ऑफ मिनिमम वेज एक्ट। तो ऑप्शन है मजदूरी की न्यूनतम दरें तय करने के लिए, यानी कि फॉर फिक्सिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। बी है फॉर फिक्सिंग मिनिमम मैक्सिमम रेट ऑफ वेजेस इन एवरी एम्प्लॉयमेंट, प्रत्येक रोजगार में मजदूरी की अधिकतम दर तय करने के लिए। सी है फॉर फिक्सिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट, कुछ रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरें तय करने के लिए। और डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द एवोब। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, फॉर फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। जो जो ये एक्ट है वो 1948 का, द मिनिमम वेज एक्ट 1948 है, और ये एक्चुअली 15 मार्च 1948 यानी कि 15 मार्च 1948 को अमेंडमेंट के साथ 1961 में आया था, और ये जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी सभी जगह लागू है। ठीक है, लेकिन अब 370 के बाद ये लागू है कि नहीं ये किसी को भी पता नहीं है, इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन मुझे नहीं दिखा है। तो आपके पास अगर कोई नोटिफिकेशन है तो मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ रोजगार में मजदूरी की न्यूनतम दरें तय करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यंग पर्सन अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948 इंक्लूड्स, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत युवा व्यक्ति में शामिल है। तो ये एक डिफिनेशन है जो फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर दिया गया है, और उसके अंदर ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि यंग पर्सन मीन्स क्या है, ए पर्सन हु इज आइदर ए चाइल्ड और एन एडोलेसेंट। ठीक है, तो या तो एक व्यक्ति जो बच्चा है या किशोर है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्री। पहला है पिगदान, दूसरा है पेयजल, तीसरा है क्रिंचेज, और चौथा यानी कि डी है सोने का बिस्तर, स्लीपिंग बेड। तो यहाँ पे स्लीपिंग बेड बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, शेल्टर या रेस्ट रूम तो मिलेगा जिसके अंदर लंच होंगे, लेकिन स्लीपिंग बेड नहीं दिया जाएगा। और जो शेल्टर या रेस्ट रूम या लंच रूम जो है जो मिलता है वो सेक्शन 47 के तहत मिलता है, ये नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो स्पाइटोनस जो जिसको पिगदान बोलते हैं वो सेक्शन 20 के अंदर इसका जिक्र किया गया है कि ये रखा जाएगा, और क्रेंसेस जो है वो 48 के अंदर में है। और जो मैं अभी बता रहा था कि आपको स्लीपिंग बेड नहीं मिलेगा लेकिन शेल्टर्स या रेस्ट रूम या लंचेस बॉक्स मिलेंगे, वो 47 पे हैं। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सेक्शन 18 पे है, और टॉयलेट्स वगैरह की जो सुविधा दी जाती है वो 19 पे है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, वर्कमैन कंपोजिशन एक्ट हैज बीन रीनेम्ड एज इम्प्लाई कंपोजिशन एक्ट इन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा 22 दिसंबर 2009। ठीक है,
23 दिसंबर को गजट किया गया था, मैं आपको बताना चाहूंगा, और 22 को जो है वो राष्ट्रपति महोदय ने इसे मंजूरी दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे 7 अगस्त 2009 को लोकसभा में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो उस वक्त श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री थे, उन्होंने इसे पेश किया था। लोकसभा ने 25 नवंबर 2009 को पास किया था और राज्यसभा ने 1 दिसंबर को पास किया था। तो राष्ट्रपति जी ने करीब 21 दिन बाद 22 दिसंबर को पास किया था। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गजट है, जिसे द गजट ऑफ इंडिया कहते हैं, उसमें प्रकाशित किया गया था 23 दिसंबर को। तो यहाँ भी बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SBF? SBF का पूर्ण रूप क्या है? तो स्टाफ बेनिफिट फंड होता है, इसमें कोई भी ये नहीं है, 1931 से चल रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट केम इन टू फोर्स ऑन, औद्योगिक विवाद अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1947 को। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वही सही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, देर इज नो कन्फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोट अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट मीन्स। तो यहाँ पे डिफिनेशन बताया गया है कि इस मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है, ITA बोलते हैं इसको शॉर्ट में, तो इसके अंदर एक डिफिनेशन बताया गया है कि भाई जो कोर्ट है उसका क्या है। तो ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एस्टेब्लिश अंडर ITA एक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ना, इसका सही आंसर है। कुछ चीज़ों को रट लेना ही मुझे लगता है इसका सलूशन है। और अभी मेरी किसी विद्वान आदमी से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया था कि जो CBSE बोर्ड है, जो जिसके बारे में काफ़ी नॉलेजबल कहा जाता है, वो उनके बच्चों को रटने की जो विधा है वो काफ़ी स्ट्रोंगली सिखाई जाती है। बाकी जगहों पे बोलते हैं लोग समझो और वो करो, तो उनके लिए किसी भी एग्जाम को निकालना बहुत ईजी होता है। हम उसमें नहीं जाते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि कुछ चीज़ों को लर्न करना ज़रूरी है, ये कहने का मेरा मतलब था किसी डिस्प्यूट में नहीं जाते हुए। तो कोर्ट मीन्स जो कहा गया है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट, दिस एक्ट मीन्स ITA एक्ट। ठीक है, तो यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APR? APR का पूर्ण रूप क्या है? तो एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट होता है, जो ऑप्शन बी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन डिड APR फॉर लेवल 1 स्टार्टेड? APR को जब मैं कभी एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से बात करता हूँ तो अपार बोलते हैं ये लोग, पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हैं, पर APR ये फुल फॉर्म होना चाहिए, पर लोग अपार बोलते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये हमारा सवाल है कि लेवल 1 के लिए कब स्टार्ट किया गया था? तो उनको जब स्टार्ट किया गया था तो 18-19 का जो सेशन था उससे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसके लिए RB नंबर 09/2019, सॉरी ये कैसे लिखेंगे, 09/19। ठीक है, ये है RB नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, टाइम लिमिट फॉर अपीलिंग अगेंस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ HOER, HOER के वर्गीकरण खिलाफ अपील करने के समय सीमा है, तो ये 90 डेज का होता है। ठीक है, DR के तहत जो है 45 डेज का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, एज पर HOER द कैटेगरी ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट इज, तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो होता है वो कंटिन्यूअस के तहत आता है। ठीक है, और अगर चीफ OS यानी कि चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट आएगा तो उसको मैंने कहीं पढ़ा है कि एक्सक्लूडेड के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जैसे चीफ मेट्रॉन होता है, स्टाफ नर्स होती हैं, ये सब एक्सक्लूडेड में आते हैं, या फिर कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट होते हैं, तो उसी तरह इनको भी चीफ ओएस को भी एक्सक्लूडेड में है और कंटिन्यूअस में ये आएंगे। जो रनिंग स्टाफ होते हैं, गार्ड वगैरह, वो सब भी आते हैं, तो जैसे ड्राइवर वगैरह, ALP वगैरह हैं, तो वो सब भी कंटिन्यूअस में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं, विच ISO स्टैंडर्ड इज फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट? तो ISO 9000 जो है वो
जो है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए है। यूं कह सकते हैं कि आईएसओ 9000 इज द फैमिली ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, एंड आईएसओ 22000 इज द फूड सेफ्टी मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का भी हमारे पास आंसर आ गया। आईएसओ स्टैंडर्ड फॉर इज ऑप्शन ए, आईएसओ 22000। ठीक है, एक बात और देख सकते हैं यहाँ पे, आईएसओ 14001 जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल है ये, तो इन्वायरमेंटल को भी ये कर सकते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे इन्होंने दिया है 27000 यानी कि 27000। तो ये जो है ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, ये मैं एक बार रिपीट कर दूँ, आईएसओ 14001 जो है वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से है, और आईएसओ 27000 जो है स्टैंडर्ड जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम से है। ठीक है, बाकी दोनों का मैंने बता दिया कि जो 22000 है वो फूड सेफ्टी से रिलेटेड है, और 9000 जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि ये चार अगर आपने याद कर लिया तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो छूटेगा नहीं, तो आप इसे रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं, देर इज नो इशू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 पे आ जाते हैं। हु इज द अपीलियंट अथॉरिटी इन केस ऑफ पेनल्टी इम्पोज इन एक्सीडेंट रिलेटेड डीआर केसेस इन वेस्टर्न रेलवे। पश्चिम रेलवे में दुर्घटना से संबंधित अनुशासनिक मामलों में लगाए गए दंड के मामले में अपीलीय प्राधिकारी कौन है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पश्चिम रेलवे वर्ड इस्तेमाल किया है शायद आपको कन्फ्यूजन करने के लिए किया हो, क्योंकि इंडियन रेलवे पे आप अगर किसी के भी जो इंक्वायरी जो है, जो जो एक्सीडेंट इंक्वायरी जो की जाते हैं उसके जो मैनुअल हैं वो आपको SWR में भी वही मिलेंगे, सेंट्रल रेलवे में भी वही मिलेंगे, और NCR वगैरह में भी वही मिलेंगे, और वेस्टर्न रेलवे में भी वही चल रहा है। तो जनरली क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो आपको ADRM पे आपको माइंड करेगा कि भाई ADRM का आंसर सही होगा, लेकिन क्या है कि जो इंक्वायरी होती है उसको एक्सेप्ट करने की जो पावर दिए गए हैं वो DRM को ही दिए गए हैं, और वही दंड लगाने के लिए अपीलेंट अथॉरिटी होगा। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आपका हो सकता है सीनियर DOM, DOM, DSO और जो भी ब्रांच ऑफिसर है वो हो सकते हैं। रिवाइजिंग अथॉरिटी जो होगा वो PHOD होगा, जैसे कि अगर ALP ने कोई गड़बड़ी की है तो उसका PHOD हमारा CME सर होते हैं। ठीक है, और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसका ये बन जाएंगे सीनियर DME, सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर। तो एक ऑप्शन के आधार पर बता रहा हूँ, यहाँ पे जो नॉर्मल जो DR लगाए जाते हैं वो ADRM अपीलेंट अथॉरिटी होता है, लेकिन इस मामले में दुर्घटना के मामले में एक्सीडेंट के मामले में जो है वो DRM सर होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ PREM यानी कि प्रेम मीटिंग ऑफ एट रेलवे बोर्ड लेवल। तो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड CRB जो होते हैं वही होते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जो CRB हैं या CEO हैं जो है जो भी आप बोल रहे हैं वो BK त्रिपाठी जी हैं, और जो प्रेम की मीटिंग है वंस इन ए 3 मंथ एट ऑल थ्री लेवल्स जो भी हैं, यानी कि डिविजनल लेवल, जोनल लेवल एंड रेलवे बोर्ड लेवल, ये तीनों लेवल पे हर 3 महीने में एक बार आयोजित किया जाता है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हाउ मेनी सेक्शंस आर कवर्ड इन RTI एक्ट, RTI अधिनियम में कितनी धाराएं। ये पुणे वाला जो बुक है उस क्वेश्चन उस बुक से ही ये क्वेश्चन लिया गया है ऐसा मेरा मानना है, और उसके अंदर जो धाराएं दी गई हैं वो 10 हैं, वही यहाँ पे ये आंसर होगा। ठीक है, इसके पहले भी हमने किसी वीडियो के अंदर काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है इसके अंदर कि कितनी धाराएं शामिल हैं, तो अभी हम नहीं जाते उस डिस्कशन अंदर क्योंकि काफ़ी कुछ बताने के लिए मेरे पास है, लेकिन हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस वीडियो को छोटा करने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि व्हाट इज द मेडिकल कैटेगरी फॉर असिस्टेंट लोको पायलट। तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो कैटेगरी है वो A1 है, बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, मैं आपको ये यहीं पे बता देता हूँ। और जो गुड्स गार्ड वगैरह होते हैं वो
A2 होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचआरएमएस। एचआरएमएस का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो सी आएगा जो दिख रहा है। चलिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREPS। तो IREPS का होता है इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, जो आपको दिख रहा है इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम ऑप्शन डी के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, प्लान हेड 65 पर्टेन टू। तो ये जो पर्टेन करता है वो ट्रेनिंग और एचआरडी से रिलेटेड है, तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए पैसेंजर एमिनिटीज का जो है वो 53 है, ठीक है। बाकी हमने डिस्कशन किया हुआ है, आगे भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, ट्रेड यूनियन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इफेक्ट फ्रॉम। तो ये जो है इफेक्ट फ्रॉम ट्रेड यूनियन अधिनियम कब से लागू है, तो 1926 ही यहाँ पे ऑप्शन आएगा। ये एक क्वेश्चन मैंने पिछले बार भी किया था, क्योंकि ये पुणे के अंदर ये है, तो यहाँ पे ऑप्शन यही होगा, क्योंकि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 वाज पास्ड इन 1 जून 1927। तो लागू 1926 से कैसे हो गया देखने वाली बात है, क्योंकि हो सकता है बैकडेट के में भी हम कई चीज़ों को लागू करते हैं, देर इज नो इशू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, आरबी नंबर 70/2014 इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट। तो ये जो है ये रेलवे मैन से काफी जुड़ा हुआ सवाल है। ये जो कंपोस्टेंट अपॉइंटमेंट होते हैं उनमें जो एक्स रेलवे सर्वेंट होते हैं उनके फैमिली मेंबर्स को जो नौकरी दी जाती है उससे रिलेटेड है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया फॉर विडो फॉर कैपेसिटेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट इज। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए विधवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक मापदंड क्या है। तो वो कोई मापदंड नहीं दिया गया, अगर वो इलिटरेट है तो भी उसको नौकरी दी जाएगी, और ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ट्रांसफर द पोस्ट ऑफ लेवल 7 फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर परमानेंटली। स्तर 7 के पद को एक इकाई से दूसरी इकाई में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का सक्षम प्राधिकारी कौन है। तो यहाँ पे जो है वो हाँ सबके डिवीजन के जो बॉस होते हैं DRM, वही इसको कर सकते हैं, यही सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 28, क्योंकि डिविजनल कंट्रोल पोस्ट का जो हेड है वो DRM होते हैं। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि वहाँ जो PCPO होते हैं वो उनके पास भी SQ के अंदर जो कंट्रोल पोस्ट हैं वो उसके हेड होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 को देख लेते हैं। 29, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट कैपेसिटेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट टू मैरिड डॉटर ऑफ एक्स एम्प्लॉय, ठीक है। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे कि मैरिज एम्प्लॉय को जो है वो GM दे सकते हैं, और मैं कई वीडियोस के अंदर बताया भी है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए CGA के अपॉइंटमेंट के बारे में तो आप GM को ये कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई नया सर्कुलर आया है मुझे ध्यान नहीं है, तो उसके अंदर DRM सर को अथॉरिटी दे दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू गिव अपॉइंटमेंट इन क्लरिकल कैडर ऑन कैपेसिटेट ग्राउंड इन प्रायोरिटी टू केसेस। प्राथमिकता 2 मामलों में अनुकंपा के आधार पर लिपिक संवर्ग में नियुक्ति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। तो यहाँ पे मुझे जो लगता है वो GM है, ठीक है। लगता क्या है, मतलब आंसर GM ही होगा, ये मुझे जो लगता है ये बोल के मैं कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, तो मुझे जो जहाँ तक पता है ये GM ही आंसर होगा, देर इज नो कन्फ्यूजन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 31 को, ठीक है।
भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब लागू किया गया? वेन वॉज द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट इन्फोर्स्ड इन इंडिया? तो इसका जो सही आंसर है, इन्फोर्समेंट जो डेट है वो है 9 दिसंबर 2013, जो ऑप्शन डी के अंदर है, ऑप्शन डी यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, फाइल कैन बी डिलीटेड इन ई ऑफिस आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? तो फाइल को कभी भी डिलीट नहीं किया जा सकता है अगर आपने जनरेट कर दिया है, दैट मीन्स जनरेट कर दिया है आपको, कोई नंबर जनरेट हो गई है फाइनली, तो अगर वो ड्राफ्ट में है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है एक्चुअली ये जो ई ऑफिस के ब्राउजर हैं उसके अंदर भी मेरे ख्याल से ये वर्ड इस्तेमाल किया गया कि फाइल कैन नॉट बी डिलीटेड इफ द नंबर हैज बिन जनरेटेड, और ये दिया गया है तो मेरे ख्याल से ये सही रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 33। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएलए? सीएलए जो होता है चीफ लॉ असिस्टेंट होता है, मुख्य विधि सहायक, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही है इसका। ये लेवल 7 का अधिकारी है और इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीजीएम? एसडीजीएम जो होते हैं सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर होते हैं, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका वो सही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, एसएफ वन इज इशूड फॉर, एसएफ वन क्यों जारी किया जाता है? तो एसएफ वन जो है ये ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है, ठीक है, तो सस्पेंशन के लिए जारी किया जाता है, तो ऑप्शन ए जो ऑप्शन सी जो है वो सही है। मेजर पेनल्टी में SF5 दिया जाता है, माइनर में SF11 दिया जाता है। नॉमिनेशन ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर जो है, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर और बोर्ड ऑफ इंक्वायरी जो है वो SF7 में है। चलिए मैं आपके लिए एक बार फिर से पूरा पढ़ देता हूँ। SF1 इज ए ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, SF2 इज ए ऑर्डर ऑफ डीप सस्पेंशन, SF3 जो है वो सर्टिफिकेट भी फर्निश्ड बाय सस्पेंडेड एम्प्लॉय, क्योंकि उसको निर्वहन भत्ते लेना पड़ता है, सब्सटेंस अलाउंस लेना पड़ता है, तो उसको खुद साइन करना पड़ता है कि भाई मैंने कोई तिरस्कार नहीं किया। SF4 है रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, SF5 इज चार्जशीट फॉर मेजर पेनल्टी, SF6 इज है रिफ्यूजिंग ऑफ परमिशन टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। SF7 है अपॉइंटमेंट इंक्वायरी ऑफिसर और बोर्ड ऑफ इंक्वायरी, SF8 जो है वो अपॉइंटमेंट प्रेजेंटिंग बेस पर, इसको APO 8 भी मैं छोटा सा किसी को शॉर्ट करके मैंने बताया था कि APO 8 अगर ध्यान रहे तो आपको याद रहेगा, और AIO बोलते हैं तो 7 होगा, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर और बोर्ड ऑफ इंक्वायरी जो 7 कहलाता है। नौ जो SF9 जो था वो नॉट प्रिंटेड अप हो गया है क्योंकि उसको डिलीट कर दिया गया। SF10 जो है डिसिप्लिनरी एक्शन इन कॉमन प्रोसीडिंग्स है, SF10A जो है अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर इन कॉमन प्रोसीडिंग्स, SF10B जो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर इन कॉमन प्रोसीडिंग्स, तो ये जो 10 वाले हैं ये कॉमन प्रोसीडिंग के अंदर ही लिए गए हैं। SF11 मैंने बताया कि चार्जशीट फॉर माइनर पेनल्टी है, SF11 भी है चार्जशीट फॉर इनिशिएशन ऑफ माइनर पेनल्टी इन केस वेयर द इंक्वायरी इज एसेंशियल, ठीक है। SF11C जो है फॉर मेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर माइनर पेनल्टी वेयर द चार्जशीट फॉर मेजर पेनल्टी वाज इनिशियली इशूड, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो कहता है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट एडमिसेबल टू एन एम्प्लॉय विथ बेसिक पे ऑफ 56,100 पर मंथ हु हैज़ बीन ट्रांसफर्ड एट द स्टेशन एट एन ट्रांसफर टू एन स्टेशन 100 किलोमीटर अवे? 56,100 रुपये प्रति माह के मूल वेतन वाले कर्मचारी को स्वीकार्य समग्र स्थानांतरण अनुदान की राशि क्या होगी जिसे 100 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर स्थानांतरित किया गया है? तो देखिए 20 किलोमीटर से ज़्यादा होने पे 80% देते हैं, तो आपको कुछ करना नहीं है, 56,000 का 80% आप निकाल दें, 80%, ठीक है, तो आप 80% में आप यहाँ पे 100 लगाएंगे, ठीक है,
तो ये 100 को काटे और यहाँ पे जो 200 ने काटे, इसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन में आएगा वो अमाउंट यहाँ पे आएगा 44,880 रुपये, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यही इजी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 कहलाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MDDTI, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी डिविजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वेस्टर्न रेलवे में, ये इंदौर में है, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, ठीक है, और जल्दी ही 18 नवंबर को जो सिकंदराबाद के अंदर सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे के तहत जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया है WLI का, उसका पेपर भी सॉल्व करके डाल दिया जाएगा। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और देखते रहिए, अपने नया नॉलेज को एनहांस करते रहिए, बढ़ाते रहिए, क्योंकि ये केवल एग्जामिनेशन के पर्पज से मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं रेलवे मैन के जो भी एम्पावरमेंट है, जो नॉलेज होना चाहिए उसके हिसाब से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, और अपने हिसाब से जो मुझे जितनी नॉलेज है उसको इस वीडियो के अंदर, किसी भी वीडियो के अंदर मैं इनपुट करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 को देखते हैं। स्टाफ क्वार्टर कम अंडर विच प्लान हेड, तो अभी वो जो है वो 51 के तहत आ जाएगा, ठीक है, हम शॉर्ट में इसको देख रहे हैं, बाकी प्लान हेड वगैरह मैंने काफ़ी जगह पर शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, हु इज द जनरल मैनेजर ऑफ वेस्टर्न रेलवे, तो जनरल मैनेजर जो है अभी वो अशोक कुमार मिश्रा जी हैं, ये 7 नवंबर को ही वेस्टर्न रेलवे को रिज्यूम किया है इन्होंने, क्योंकि इससे पहले ये हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ये 1986 के बैच के अधिकारी हैं, काफ़ी नॉलेजेबल हैं और काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। व्हाट इज द वर्ड डीओ विच इज यूजली बाय डेली कॉरेस्पॉन्डेंस, डीओ शब्द क्या है जो दैनिक पत्राचार द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो ये डेमी ऑफिशियल होता है, अर्धशासकीय पत्र जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो जो सेंटेंस स्टार्ट होता है, वर्ड इस्तेमाल होता है वो डियर जो भी है उनके साथ चलता है, ठीक है, और जनरली इक्विवेलेंट लोगों को लिखा जाता है डियर के साथ या फिर छोटे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREM, IREM जो होता है वो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल होता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 होता है, इसी तरह IRCC बोलेंगे तो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड होता है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दो पार्ट में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट जो मैनुअल और कोड है वो दो दो पार्ट में है, चार पार्ट में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं, यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं। इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 41 42 को देख लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLP, SLP जो होता है स्पेशल लीव पिटीशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, और ये सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, इन विच कैटेगरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज नॉट डन, ग्रुप बी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं किया जाता है, ठीक है, UPSC जो आते हैं वो ग्रुप ए अधिकारी होते हैं जो ग्रुप बी में काम करते हैं, जैसे कि उनको एक टेन्यूर पूरा करना होता है, उसके बाद उनका प्रमोशन ग्रुप बी से ग्रुप ए में कर दिया जाता है, वो प्रोबेशन पीरियड होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते 44 को देख लेते हैं पहले। व्हाट इज द रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर OBC, तो OBC के लिए जो है वो 3 इयर्स है और STC के लिए जो है वो 5 ईयर है। ठीक है, SC ST। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज द रेट ऑफ HRA इन मेट्रोपॉलिटन सिटी इन 7th CPC, ठीक है, 7वें CPC में महानगरीय शहरों में HRA की दर क्या है, तो ये उस वक्त जो तय की गई थी वो 24% थी। ठीक है, 24% पहले जो महानगर में है उनको 24 दिया जाता है, फिर उसके बाद एक्चुअली ये यूं समझ लो आप, कोशिश करता हूँ मैं, यहाँ पे X बना लेते हैं, ये Y बनाते हैं
और ये जेड बनाते हैं। तो यहाँ पे 24% था, ये 16% था, और यहाँ पे जो था 8% था। अभी हाल ही में जो 25% का जो लिमिट था डीए का, ठीक है, डीए की जो लिमिट है 25% जाने के बाद इसको बढ़ाने की बात कही गई थी 25% के साथ, ठीक है। तो अब वो उसके बाद हो गई है ये 27% जो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो आज की डेट के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये इस तरह बनता है, और 1% यहाँ बढ़ता है, तो टोटल 9% हो जाते हैं, ठीक है। सबके आगे परसेंटेज लगा लें, तो हमारा ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन बी में है। अगर ये 27% होता तो भी इसमें नहीं, क्योंकि ये 7 सीबी के अनुसार उस वक्त जो रेट है उसके बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 46 को देख लेते हैं। रनिंग अलाउंस इज डिस्क्राइब इन विच चैप्टर ऑफ आईआरएम, तो आईआरएम के 9 जो चैप्टर नंबर 9 है उसके अंदर इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 3 है, 3 के अंदर है ना, वो सीनियोरिटी का मामला है। नंबर 5 जो है वो परसेंटेज ऑफ पोस्ट फॉर वेरियस कैटेगरी है ना, उसके लिए किया गया है, परसेंटेज ऑफ पोस्ट फॉर वेरियस कैटेगरी उसका इस्तेमाल के लिए इसको दिया गया है। और जो 13 नंबर है, एक इम्पोर्टेंट ये भी है तो इसको भी जिक्र कर लेते हैं। जो इनकेपेसिटेटेड स्टाफ होते हैं उनका एब्जॉर्बेंस भी किया जाता है, तो वो उस चैप्टर को 13 के अंदर जिक्र किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, देखिए जो मैं आपको एडवाइस देता हूँ डीआर से रिलेटेड या फिर कंडक्ट रूल से रिलेटेड, वो यहाँ पे आ गया। डीआर से भी क्वेश्चन आए, और फॉर्म नंबर मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोलता हूँ कि फॉर्म नंबर जितने भी हैं वो पूरी तरह मुंह पे होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए, आप जहाँ रखना चाहें रखें। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल एक्सेप्टिंग गिफ्ट आर प्रोहिबिटेड, उपहार स्वीकार करने वाले रेलवे सेवा आचरण नियम के किस धारा के तहत प्रतिबंधित है। तो ये 13 के तहत है, 13A जो है वो डाउरी से रिलेटेड है, और ये जो है दहेज जो है वो उपहार से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 15 की तरफ जाएंगे तो निजी व्यापार या नौकरी जो है उससे रिलेटेड है। जो 16 है वो पूंजी लगाने और उधार देने या उधार लेने से रिलेटेड है। 18 जो आपको पता है कि चल अचल संपत्ति का जो ये है उससे रिलेटेड, तो यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस इफ एन एम्प्लॉई इज आउट ऑफ हेडक्वार्टर फॉर 8 आवर्स, तो 6 घंटे से ज़्यादा और 12 घंटे वाला जो मामला है उसको देख सकते हैं। तो 6 घंटे से ज़्यादा और 12 घंटे से कम होने पे वो 70% तक का हमारे पास ऑप्शन रहता है, लेकिन 6 घंटे से कम होने पे 30% रहता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा, क्या नाम, 70%, ऑप्शन सी, ठीक है। और 12 घंटे से अगर ज़्यादा हेडक्वार्टर से दूरी रहती है तो फिर आपको 100% मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम जो है 49 पे आ गए हैं। द रिवाइज्ड बेंचमार्क वुड बी इंप्लीमेंटेड इन केस ऑफ एमएससीपी इज ड्यू विद द इफेक्ट फ्रॉम डब्ल्यूएफ, ठीक है। संशोधित बेंचमार्क उन मामलों में लागू किया जाएगा जहां एमएससीपी से देय होने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो आपके सामने दिख रहा है, ऑप्शन ए 25 जुलाई 2016, ऑप्शन बी 25 जुलाई 2018, ऑप्शन सी 1/1/2008, 1/9/2008, ठीक है। यही आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे जो है एक्चुअली 25 जुलाई 2016 से होना चाहिए, यहाँ 25 जून है, तो जो नियरेस्ट आंसर है अगर आप चाहें तो इसको मार सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे 07 आना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो पता नहीं बनाते हो स्लिप ऑफ टाइपिंग हो, मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है।
इतने 100 क्वेश्चन बनाने में एक दो गलतियाँ होंगी, तो इस पे ज़्यादा हाइपर होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें भी एक दो क्वेश्चन गलत होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि तो उस वक्त जो माइंड में आता है वही हम कर लेते हैं, वही क्वेश्चन को चूज कर लेते हैं, देर इज नो इशू। क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। एनपीएस इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी टायर्स, तो एनपीएस कितने स्तरों से बना है? तो टायर 1 टायर 2 से बना है, टू टाइप के सिस्टम जो अडोप्ट किए गए हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 51 जो है, फॉर हाउ मेनी डेज स्पेशल मैटरनिटी लीव कैन बी ग्रांटेड इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ और स्टिल बर्थ, जन्म मृत जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के मामले में कितने दिनों के लिए विशेष मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है? ये अभी हाल में ही एक आरबी नंबर आया था 144/2022, जो 7 नवंबर को आया है, यानी कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस एक हफ्ते पहले के जितने भी इम्पोर्टेंट इशू हैं, चाहे वो कोई ऑफिसर चेंज हुआ हो या फिर इस तरह के आरबी रेलवे बोर्ड के सर्कुलर हैं, उनको देख लेना उचित होगा। यहाँ पे जो आंसर है वो 60 दिन का है, तो एक इम्पोर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 52 है, द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज अप्लीकेबल टू, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 किस पर लागू होता है? ग्रुप ए डी, ग्रुप सी, ग्रुप ए, ऑल ऑफ द एबव। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो है ऑल ऑफ द एबव, ये सब पे लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, पेटर्निटी लीव इज ग्रांटेड फॉर हाउ मेनी डेज, तो पेटर्निटी लीव आपको पता ही है कि 15 दिन दिया जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मेक इनिशियल अपॉइंटमेंट इन ग्रुप डी, तो जो ग्रुप डी के लिए है वो जूनियर स्किल ऑफिसर जो होता है लेवल 1 के लिए, वो सक्षम है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सीए है। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं और इसको यही समाप्त करते हैं। हु हैज द पावर टू रिलैक्स लोअर एज लिमिट फॉर सीजी अपॉइंटमेंट अप टू 1 ईयर, सीजी यानी कि कंपसनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट, ठीक है, 1 वर्ष तक के लिए अनुकंपा के आधार पर कम आयु सीमा में छूट देने की शक्ति किसके पास है? तो दो बातें हैं यहाँ पे, पहला तो आपको 1 साल यानी कि अगर कोई 17 साल का है, यानी कि 18 साल तो मिनिमम एज होनी चाहिए, अगर नहीं है और अगर कोई 17 साल का बंदा है तो उसके लिए जो 1 साल की छूट है वो जीएम सर दे देंगे, ठीक है। अगर नहीं 1 साल से और छोटा है, यानी कि अगर 16 साल के एज में अगर किसी को नौकरी देनी है, तो रेलवे बोर्ड या रेलवे मिनिस्ट्री में जो मंत्री हैं वो वहाँ पे इसके लिए इनकेपेसिटेड है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें, अपने नॉलेज को एनहांस करते रहें, तो इसी तरह बने रहिए। सेकेंड पार्ट को भी जल्दी ही अपलोड कर लिया जाएगा, तो थैंक यू सो मच, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।